अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड फ्रेंड जैसे कि चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2 रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसके काफ़ी टॉपिक क्लियर करवा चुकी हूँ और कंप्लीट हो चुके हैं। जिसे नहीं देखा वो मेरी प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो हमारे अब मैं जो टॉपिक आपको समझा रही हूँ उसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज की मैंने प्रीवियस वीडियो पोस्ट कर दी है, अब ये वाली वीडियो से आप देख लें। इसके अंदर हमें क्या करना है, चेंज आर डेसिमल फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज। लास्ट वीडियो में हमने क्या करा है, चेंज आ परसेंटेज इनटू अ डेसिमल फ्रैक्शन। अब हमें डेसिमल फॉर्म में मिला, हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। क्लियर? अब देखिए हमें डेसिमल फॉर्म में मिला है तो हम किस तरह इसको चेंज करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, यानी कि परसेंटेज की फॉर्म में चेंज करना है हमें। सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद हम यहाँ लिखेंगे 0.50। सही है? अच्छा, वहाँ हमें परसेंटेज की फॉर्म में मिलता था तो हम फौरन डिवाइड करते थे 100 से। अच्छा, यहाँ पे हम वही करेंगे, बस यहाँ पे एक स्टेप चेंज हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई 100 करेंगे फिर डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। क्लियर? अब हम जब मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका, ये देखें 0.15 मल्टीप्लाई बाय 100 करने पर आंसर हमारा आ रहा है 15 डिवाइडेड बाई 100। क्लियर? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमें पता है इसका 100 को अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये 100 परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 15%। ये हमने इसको चेंज कर दिया। ये शॉर्ट क्वेश्चन समझा रही हूँ मैं आपको, इसी का दूसरी वीडियो है, दूसरा क्वेश्चन है सॉरी 0.40 मल्टीप्लाई बाय 100 वही तरीकेकार है, बस स्टेप बाय स्टेप करना है। 0.40 मल्टीप्लाई बाय 100, इससे हमारे डेसिमल ख़त्म हो जाएगा। क्लियर? मल्टीप्लाई करने के बाद तो हमने यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाय 100 लिखा और इसका फाइनल आंसर आ गया हमारा 40%। क्लियर? अब नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले चाहे तो एक बार क्वेश्चन को रीराइट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 0.65 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर? सिर्फ मल्टीप्लिकेशन इस सेंस में हो रही है कि ये डेसिमल हमें ख़त्म करना है। यहाँ आ गया आंसर 65 डिवाइडेड बाय 100। अब इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 65%। इसका एक लास्ट क्वेश्चन रहता है, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद 0.04 क्वेश्चन उतार ले एक बार, हमें 0.04 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा इसका 0.04 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर जस्ट आएगा हमारा 4 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको हम इसको चेंज करेंगे परसेंटेज में तो ये हो जाएगा 4% हमारा आंसर है। आई होप फ्रेंड आपको इजीली डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज, डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करना आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।